हेलो और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कराची बर्ड इन्फो। तो आज हम चैंपियन के चैंपियन माशाल्लाह जो तीन टाइम इन्होंने अभी चैंपियनशिप हासिल करी है और बेस्ट इन शो भी रहे हैं, तो अली भाई के सेटअप पे आज हम आए हुए हैं और माशाल्लाह हमने विजिट करा और इनके बर्ड देखे। माशाल्लाह टॉप क्लास बर्ड इनके पास यहाँ पर लगे हुए हैं, हर किस्म के एक्स वाई जेड हर बर्ड्स माशाल्लाह इनके पास टॉप क्लास हैं। तो अली भाई से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। और अली भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये होता है चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसी बात नहीं है कि मैं चैंपियनों का चैंपियन हूँ। देखें मेहनत करी उसका फल अल्लाह ताला ने दिया, जिसको शो में प्रूफ करवाया। बाकी मैं मेरा आज भी ये मानना है कि बहुत ही बेहतरीन बर्ड कराची में अभी भी ब्रीड हो रहे हैं, जो लोग सामने नहीं आए उनके पास इससे भी बेहतरीन बर्ड हैं। और लास्टली मैं ये बोलूँगा कि मैं अली कुछ भी चीज नहीं है, मेरे साथ जब तक मेरी टीम ना हो, मेरे पार्टनर फरहान साजिद भाई ना हो, तो मेरे ख्याल में ये चैंपियन का टाइटल मैं नहीं ले सकता था। ये एक बंदे की मेहनत नहीं, ये टीम एफर्ट है। अच्छा अली भाई, माशाल्लाह आपने इतने अच्छे अच्छे टाइटल अभी विन करे हैं रिसेंटली, तो ये जो आपने जो टाइटल विन करे हैं इसके पीछे मतलब क्या राज है? माशाल्लाह लोग बढ़ जाते हैं और वो सेकंड नंबर भी नहीं आ पाते और आपके बार हर बार माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन। देखें आप दोबारा मुझे चैंपियन कह रहे हैं, आपके सामने मैं अब क्या बोलूं? देखें मैं चैंपियन नहीं हूं, मैं एक फेलियर हूं। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं मैं एक फेलियर हूं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों का स्टैंडर्ड ऊपर नहीं कर पाया। आज भी आप देखें एड यूट्यूब पे या फेसबुक पे लोग वीडियोज बनाते हैं, कहते हैं चैंपियन लाइन बर्ड और चैंपियन बर्ड, और वो बर्ड को आप देखें उनकी चोंचें बिल्कुल ख़राब तरीके से निकली होती, माथा पिचका हुआ होता है, फोर हेड ख़राब होता है, आंखों की प्लेसमेंट अलग होती है। मैं चैंपियन तो तब होऊंगा जब मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा कि आप लोगों ने धोखा नहीं खाना। बेशक वो आगे की म्यूटेशन है, कोई बहुत आगे की म्यूटेशन है, लेकिन वो एक कंडम बर्ड है। आप लोग कंडम बर्ड लेना बंद करें। जब तक आप लोग कंडम बर्ड लेना बंद नहीं करेंगे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कोई भी बंदा आपको पेडिग्री पेडिग्री करके देता है, आपके दिमाग में ना खाका होना चाहिए कि अच्छा बर्ड कैसा होता है। आप लोग मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे जाएं, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन बर्ड हैं, आप उनको देखें। वैसे खाके का बर्ड आपको ग्रीन फिशर मिलता है वो रखें, आपको वैसा डनफेलो मिलता है वो रखें, आपको वैसा एक्वा मिलता है वो रखें, या आपको ब्लू फिशर मिलता है वो रखें। डजंट मैटर कोई भी म्यूटेशन हो, बर्ड का बेसिक स्टैंडिंग, बर्ड की विजुअल अपेयरेंस सब कुछ होती है, वो उसके फीचर वो दिखता किस तरह से है। अब उसमें नई से नई म्यूटेशन जो भी ऐड हो रही है वो एक अलग चीज है। नई म्यूटेशन का मतलब क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी का मतलब बर्ड की फिजिकल अपेयरेंस कैसी है, उसका फोरहेड कैसा है, उसकी आई प्लेसमेंट कैसी है, उसकी बीक कैसी है, उसका बैठने का तरीका और उसका चेस्ट कैसा है, उसके कलर कितने वाइब्रेंट है, ये चीज होती है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि वो डन फेलो है, वो एक्वा है, वो एक्वा पेल फेलो है, हर किसी का मतलब नहीं होता। ये फर्क आज मैंने आप लोगों को बताया, इसको याद रखिएगा। देखना है मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है अली पी के, ALIPK, आप वहां पे जाएं देखें, डिटेल में हर चीज आपको मैंने बताई है, वो आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। बाकी अगर उसके बाद भी आप लोग धोखा खाते हैं तो यकीन माने आप लोग कभी भी आगे स्टेज तक नहीं आ सकते। भाई व्यूअर्स का हमारा सबसे जो ज्यादा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली भाई सबसे ज्यादा बर्ड इस वक्त कौन सा ऐसा पालना चाहिए जो ज्यादा मेहनत करना ना पड़े और उसको ज्यादा इनकम हासिल हो, जनरेट हो हमारे व्यूअर्स को? ये तो देखिए गोल्डन क्वेश्चन है, हर बंदा यही चाहता है इस तरह का हो जाए। और अगर मुझे ऐसी चीज पता होगी तो सबसे पहले मैं भी करूंगा और आपको भी नहीं बताऊंगा, मैं ही करता रहूंगा। ये नाकाबले मतलब ये अनअचीवेबल गोल है जो आप मुझे बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करके ये बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। ठीक है जी, आप देखें करना ये चाहिए कि मैंने स्टार्ट में करता हूँ जाल वालों से लेकर। मैं थोड़े दिनों पहले दो या तीन हफ्ते मुस्तकिल लालूखेत की मार्केट मैंने विजिट करी, वहाँ का जो सिनेरियो देखा वहाँ पे जाल वाले कुछ बर्ड्स को मना कर रहे थे और कुछ बर्ड्स खुशी खुशी ले रहे थे। जिसको मना कर रहे थे वो बेचारा अफसुरदा था, जिससे ले रहे थे वो खुश था। अब हम लोग फिशरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो लोग हाइब्रिड किस्म की फिशरीज, आधा मुँह काला आधा फिशरी आधा पटनाटा है,
जाल वाले काफी हद तक मैंने देखा था पहले ले लेते थे और वो तमीज नहीं करते थे अच्छे बुरे की, लेकिन अब जाल वाले भी कहते हैं या तो प्रॉपर पटनाटा दो या तो प्रॉपर फिशरी दो। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज पालें वो प्रॉपर पालें, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते डजंट मैटर, आपने प्रॉपर चीज पालनी है। आपने हाइब्रिड चीज नहीं पालनी, और पेस्टल्स वगैरह को, ब्लू पेस्टल है, पार ब्लू पेस्टल है, इन बर्ड्स को अपने पास से कम करें, पाइट बर्ड्स को खत्म करें। फिशरी है तो प्योर फिशरी पालें, पटनाटा है तो प्योर पटनाटा पालें, बेशक प्योरिटी के उस लेवल तक नहीं जाएं लेकिन एक बेसिक बर्ड को बेहतर कर लें। ये वक्त है अपने आप को सीधा करने का, सीधे का मतलब जो उल्टे सीधी पेयरिंग करी हुई है उसको सीधा करें, एक्स्ट्रा बर्ड सेल करें, जाल पे बेशक सेल करें और प्रॉपर बर्ड लगाएं, क्योंकि कल को आज जाल वाले इतना तंग कर रहे हैं आपसे, प्रॉपर हेड के प्रॉपर फिशरी मास्किंग के बर्ड मांग रहे हैं, कल को आपसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आज आप अपने आप को सीधा कर लें, उससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर सेलिंग होगी और टाइमली अपग्रेड करते रहें। ग्रीन रख लिया है तो ब्लू ले लें, ब्लू रख लिया है तो पार ब्लू ले लें, ग्रीन ऑफलाइन रख लिया है तो ब्लू ऑफलाइन रख लें, ब्लू ऑफलाइन रख लिया है तो पार ब्लू ऑफलाइन रख लें। बेसिक हर म्यूटेशन के एक या दो जोड़े रखें, एक के ऊपर जो है ना सारी बेट ना करें। कहते हैं ना अंग्रेजी की कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब आपने जुआ नहीं खेलना कि जैसे पिछले दिनों में लोग करते थे, एल्बिनो लगाए हैं तो एल्बिनो क्रिमिनो डेकिनो 90 जोड़े एल्बिनो क्रिमिनो डेकिनो लगा लिए और 10 जोड़े ग्रीन ऑफ लाइन लगा लिए क्योंकि ये दोनों चीजें बिक रही थी। अब आपने अपना पोर्टफोलियो ऐसे डिजाइन करना है, कुछ एल्बिनो हो, कुछ क्रिमिनोज हो, कुछ डेकिनोज हो, कुछ ग्रीन फिशरीज हो, कुछ ब्लू फिशरीज हो, कुछ पार ब्लू फिशरीज हो, कुछ ग्रीन ऑफ लाइन हो, कुछ ब्लू ऑफ लाइन हो, कुछ पार ब्लू ऑफ लाइन हो, कुछ आपके पास फ्यूचर की म्यूटेशंस हो जैसे कि एक्वा वगैरह, वो भी अगर सही मिले, टेढ़े मेढ़े कंडम कंडम वाला बर्ड आपने नहीं लेना, खराब हेड खराब सोच का बर्ड नहीं लेना आपने, बेशक आपको सस्ते में मिल रहा हो, ब्रीड नहीं करेगा आपके पास कोई फायदा नहीं है। फॉस्टर मल्टीपल जो लोग फॉस्टर करते हैं, उस पैर के नीचे अंडे फेरे, उस पैर के नीचे अंडे फेरे, आठ आठ नौ नौ ब्रीडे लेते हैं, ऐसे लोगों से बर्ड आपने लेना और बाइकॉट करना ऐसे लोगों, क्योंकि जब एक बर्ड ज्यादा ब्रीड करता है तो फिजिकल डिफॉर्मिटी तो होती है और इंटरनल डिफॉर्मिटी भी होती है बर्ड के अंदर, बर्ड इंटरनली वीक होता है। आप लोग कहते हैं ना सही था यार लिया मर गया, तो हर किसी का बर्ड तो ऐसे नहीं मरता, जिंदा चीजें मर सकती है लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस हैं उन लोगों के बर्ड के मरने का जो लोग ज्यादातर फॉस्टरिंग करते हैं। ज्यादा फॉस्टर किए बर्ड कमजोर पैदा होते हैं, उनकी देखभाल ज्यादा होती है और अल्टीमेटली ब्रीड से पहले जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। समझ गए पैरामीटर्स, किस तरह के बर्ड को आपने लेना है, कुछ आप फ्यूचर की म्यूटेशन ले लें और उसके बाद कुछ परसेंटेज रखें अलग आइटम्स के, जैसे लबर्ड से हटके अगर आप कर रहे हैं जावा, तो जावा में एक जोड़ा फॉन जावा का ले लें, एक जोड़ा व्हाइट जावा का ले लें, एक जोड़ा सिल्वर जावा का ले लें। डव के अंदर कर रहे हैं, अगर ओपल डव महंगी है तो आप ओपल पाइड, तो आप एक ओपल पाइड का जोड़ा एक दाना ले लें, एक नॉर्मल डव ले लें, उन दोनों को आपस में मिला लें, या फिर एक कॉमन डव ले लें पाइड की, जो मुझे इतना पता नहीं है डव के बारे में एक्चुअली, जैसे कि रेड पाइड होती है, ग्रे पाइड होती है, सिल्वर पाइड होती है, ओपल पाइड होती है, इस तरह के जो जो आपकी रेंज के अंदर है नॉर्मल रखें, जैसे कि ग्रे पाइड हो गई और रेड पाइड हो गई, इस तरह के बर्ड जाल वाले लेते रहते हैं आप ऐसे रखें। थोड़ी बहुत फिंचें रख लें, फिंचों में जैसे कि फुल ऑरेंज फिंच जो होती है उस तरह की फिंच के एक या दो जोड़े रख लें, एक जोड़ा रखें यार बल्कि मैं तो कह रहा हूँ। और जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने भी कुछ रखी है फिंचें, मैंने यूरो के अंदर फिंचेस रखी हैं, आप एक आध जोड़ा वो रख लें, शार्प टेल रख लें एक जोड़ा, लेडी गोल्डियन एक जोड़ा रख लें, इस तरह ना मल्टीपल बर्ड्स रखेंगे ना, और सेलिंग उसी की करनी है जिसका रेट ऊपर हो, जिसका रेट ऊपर नहीं है उसकी क्वांटिटी आपने बढ़ानी है। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अली भाई ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बर्ड्स के हवाले से और इस हॉबी के हवाले से। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।